एक सेकंड बेटा। यस हाँ, ग्रेफाइट के में फ्रिक्शन नहीं होता ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना, लेकिन आपके मशीन के पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसके मुकाबले ग्रेफाइट पाउडर और मशीन के पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, क्यों? यस ग्रेफाइट का पाउडर है जिसके छोटे छोटे टुकड़े हैं वो रोल कर जाते हैं। ठीक है बेटा। यस इस वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है अगर आप ग्रेफाइट पाउडर का यूज करो मशीन्स के अंदर को। ठीक है, अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग लुब्रिकेंट यूज करते हैं क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड ऑब्वियसली फाइनेंसेस, राइट। सर अगला, अब मेटल और बर्न्स अप टू ठीक है बेटा। एक्सेसिव लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज फ्रिक्शन मोमेंटम गेन करता है ना, ही हैज एनर्जी बाय रनिंग, उससे मतलब नहीं, वो मोमेंटम का यूज करके ज्यादा सर, दूर ये सब दौड़। क्वेश्चन पेपर में था क्या? हाँ हाँ सर ये सब क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में था लगता है, इस बारे में, इस बार क्वेश्चन पेपर जो था ना आप लोग हाँ तो वही तो दिए डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। थे। ओ ठीक है, इफ अ रॉक इज ब्रॉड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, इसका मास चेंज हो जाएगा कि नहीं हो इट्स जाएगा? वेट विल चेंज अरे बट वेट वेट विल नॉट, चेंज एंड नॉट नॉट मास, मास नॉट मास नॉट, वेट चेंज होगा, नहीं मास चेंज नहीं होगा। होगा ठीक है, नहीं होगा यस सर। फ्रिक्शन इज एन ऑल स्पेशल ऑफ द रेस्टिंग फोर्स अबव नेसेसरीली इविल इंपॉर्टेंट फोर्स इन डेली लाइफ, सो ऑल ऑफ द अबव, है ना? यस सर एटमॉस्फेरिक यस प्रेशर सर इज बैरोमीटर। बैरोमीटर बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? बैरोमीटर। मैंने बताया था ना बैरोमीटर बैरोमीटर कैसे काम करता यस बताया था ना। ठीक, एज वी गो डीपर बीनीथ द सरफेस सर ऑफ वाटर, इंक्रीजेस प्रेशर यू नो क्या इंक्रीजेस होता है? प्रेशर इज इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक प्लस एच डी जी, है ना, या फिर रो जी एच, बताया था ना? नहीं बताया था? बताए थे नो सर मैंने बॉयंट फोर्स आपको डिराइव करवाया। अच्छा, आपको नहीं, 9 क्लास होता है, सॉरी। जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, अगर एच हाइट नीचे जाते हो, डेंसिटी डी है और जी तो पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच डी जी हो जाता है। यहाँ एच क्या है? डेप्थ हाइट बिलो वाटर सरफेस या लिक्विड सरफेस, डी इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बेटा। यस सर अ कॉन्टैक्ट फोर्स कैन एम्प्टी नॉट लग, स्पेस इसके लिए कॉन्टैक्ट चाहिए, बिना कॉन्टैक्ट के एम्प्टी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लग सकता। ठीक है, विच ऑफ द स्पेस फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर? पास्कल पास्कल। ठीक है सर ना। यस सर डीप सी डाइविंग वेसल्स हैव टू इन ऑल विथस्टैंड डायरेक्शंस इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर हमेशा चारों तरफ से लगता है, बताया था ना पास्कल्स लॉ में। हाँ सर यस विच सर अमंग द फॉलोइंग विल एग्जर्ट मैक्सिमम प्रेशर व्हेन पुश्ड विद, सर पेंसिल मेरे विद शार्पन को ऑप्शन तो देखने दो। एन इरेजर ऑफ स्क्वायर्स 2 स्क्वायर सेंटीमीटर इज शार्पन शार्पन पेंसिल से शार्पन टेबल ब्लंट एंड, और पेंसिल नहीं सर ये नहीं है, ये नहीं है, द सर रियल एरिया सेकंड ऑफ, वाला सर सेकंड सेकंड वाला, ऑप्शन जिसका एरिया कम होगा वो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा सेम फोर्स पे, है ना। यस विच ऑफ द सर फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैनोमीटर मैनोमीटर? मैनोमीटर मैनोमीटर क्या करता है? ये यस प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है ना मैनोमीटर, सर बताया था यस मैंने कि नहीं बताया सर था? यस सर मैग्नेटिक विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स? फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, दूर से लग जाता है, इसको कॉन्टैक्ट में लाने की जरूरत नहीं होती। ओके, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अच्छा द राइज क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या हुआ जब आपने बल्ब को प्रेस कर दिया? आपने बेसिकली यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, मतलब कम एरिया कर प्रेशर, सॉरी यहाँ पे एयर कम हो गया है, अब ये लिक्विड में डूबा हुआ है, चारों तरफ से प्रेशर यहाँ एक्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब आप इस ड्रॉपर को छोड़ोगे या बल्ब को छोड़ोगे तो पूरा हुआ वापस फूलेगा, तो इससे अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर का प्रेशर की वजह से लिक्विड अंदर की तरफ पुश हो जाएगा, है ना।
है ना, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर पुश करता है, ऐसा नहीं कि ये पुल कर रहा है, क्या हो रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर इधर पुश करता है, मैंने सिखाया था ना ये चीज। यस सर। इसी तरीके से पिचकारी भरते हो आप होली में, हाँ या ना? यस सर। इसी तरीके से इंजेक्शन में हम लोग दवाई भरते हैं, इसी तरीके से है ना। ओके क्या कहा था न्यूटन अंकल ने, ऑल द बॉडीज इन दिस यूनिवर्स फॉलो दिस इज रूल, है ना, ये था ना। ओके द रिलेशन बिटवीन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड वन के जी एफ है, ठीक है ना, ये ओएफ वाला सर, वो एफ होगा। 26 कितना होता है, ठीक है, आता है ना आपको, आपको सॉल्व करके आपको आता है, किसी को भी नहीं आता तो बताऊंगा अभी। सर आता है, आता है। सर एक बार बताइए ना। हाँ देख। आता है। सर एक बार बताइए। ओके। वन डाइन क्या होता है बेटा? 10^-5 न्यूटन होता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। और आपका जो 1 ग्राम वेट है, वो कितना होता है? 10^-3 किलोग्राम वेट। That is equal to 10^-3 किलोग्राम वेट कितना है? Into 9.8 न्यूटन, हाँ या ना? Yes sir. क्या मैं लिख सकता हूँ 1 dyne upon 1 gram वेट इज इक्वल टू 10^-5 upon 10^-3 into 9.8 न्यूटन, न्यूटन कैंसिल हो गया, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? Yes sir. तो दिस मींस कि 1 dyne इज इक्वल टू 1 gram वेट अपॉन 980. Yes sir. That is equal to 1/980 ग्राम वेट, और क्या? है ना? Yes sir. समझ में आया? Yes sir. Okay. 27. Force per unit area is pressure. How many dynes are equal to 1 newton? Yes, sir. To the power five. External forces are may or may not be balanced. अगर हमेशा बैलेंस रहेंगे तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा कभी कोई, है ना? यस सर। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ नेल ऑफ एरिया इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना प्रेशर इज निकाल लिया ना अभी थोड़ी देर पहले, 0.05 पास्कल। सर और एक बार दिखा दीजिए ना सर, मैं तब फंक्शन में वही दिया हुआ है सर, हम लोग का तो ऐसे कुछ और अलग ही है। एक सेकंड और एक बार दिखाइए ना, ये आया था ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यस सर। देखिए भाई 5 × 10^8 है और वहां पे 0.005। एक सेकंड देखते हैं, प्रेशर है 50 न्यूटन, फोर्स है 50 न्यूटन, इतना एरिया है तो 50 पर, अच्छा हो सकता है वहां पे नंबर्स कुछ और दे रखे हो, मेरे को तो लग रहा है यही है। नहीं सर, नंबर सेम है, नंबर सेम है, अब फोर्स ऑफ नंबर सेम है, ठीक है, मेरे तो 5 × 10^8 आ रहा है, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? सर बहुत ही कम प्रेशर है, नन दे तो रखा है सर, बट नन तो करेक्ट सर 0.05 पास्कल ही है, नहीं वो गलत है, 0.05 नन विल बी करेक्ट सर, मैंने तो नन ही किया था पर गलत हो गया, मैंने भी नन, मेरे 0.05 पास्कल किए तो वो सही हो गया, मेरा भी ह्यूमन एरर हो जाता है कभी-कभार आंसर मार्क करने में, ठीक है। द यूनिट ऑफ
quantity on the hertz. पिच किस पे डिपेंड करता है? पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे. फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ हर्ट्ज है. हर्ट्ज है ना? यस सर. क्वेश्चन फिजिक्स का कम है, इंग्लिश का ज्यादा है ना? इफ अ वेव कंप्लीट्स 24 सेकंड्स पर 30 हर्ट्ज 4 अपॉन 0.8 दैट इज इक्वल टू 30 हर्ट्ज है ना? यस सर. ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर. वन हर्ट्ज इज इक्विवेलेंट टू वन साइकिल पर सेकंड. वन साइकिल पर सेकंड. ठीक है बेटा. सर ये 16.6 मीटर. टू हियर द इको ऑफ अ साउंड डिस्टिंक्टली द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 16.6 मीटर. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? नो सर. नो सर. नो सर. ओके, अगला. द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम. डेंसिटी एंड द डेंसिटी. ठीक है, यस सर. क्या होगा? डेंसिटी होगा. ओके, द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें अभी तक? नो सर. लल्लू पेपर था एकदम, है ना बेटा? एकदम लल्लू पेपर था ना ये? यस सर. अच्छा, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज इज अल्ट्रासोनिक. अच्छा, अब आपको थोड़ी यहाँ पे अंग्रेजी सिखा दूं, ऐसे तो आपको आप लोगों को पता होगी, फिर भी सिखा देता हूँ. कभी सुना है अल्ट्रा वायलेट? कभी सुना है इंफ्रा रेड? अल्ट्रा वायलेट. सर आप ही बोले थे. यस सर. यस सर, आपने ही बताया था. जिस दिन पहली बार गए थे उसी दिन सुने थे. देखो सर, पहले दिन सुन अब नहीं, जिसको याद नहीं हो एक बार और सुन लो. और क्या देखो, लाइट नहीं, खासतौर से जो वेव्स जो हमारी होते हैं बेटा, एक तो मैकेनिकल वेव होती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है. क्या क्या होता है? एक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से वेव बनती है. उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं फिलहाल आपको, बट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनता है वेव. इसको हम लोग 7 पार्ट से डिवाइड करते हैं. कितने पार्ट से डिवाइड करते हैं? 7 पार्ट में. क्यों? 7 पार्ट से डिवाइड करते हैं. क्यों? क्योंकि 7 हमारा फेवरेट नंबर है. क्यों फेवरेट नंबर है 7? क्योंकि 7 रंग होते हैं रेनबो में. 7 कलर्स होते हैं. 7 कलर्स होते हैं. और क्या? और 7 की क्या इंपॉर्टेंस है? हफ्ते में 7 दिन होते हैं. और 7 की क्या इंपॉर्टेंस है? 7 जन्म की शादी होती है, 7 फेरों से शादी होती है ना? हाँ या ना? 7 दिन होता है वीक में. और 7 का इंपॉर्टेंट है क्या? इंपॉर्टेंस है जीवन में? 7 समुद्र, 7 वंडर्स. 7 लकी नंबर होता है. लकी 7 वंडर, 7 समुद्र, सब 7 है कि नहीं है? हम 7 हैं. यस सर. तो इसको हम लोगों ने 7 पार्ट से डिवाइड किया. सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है? तो उसका नाम है गामा रे. आप बोलोगे सर ये क्या लिखा मैंने? तो ये होता है आपका, पढ़ते हैं गामा. ग्रैंडमा नहीं है, गामा है. वैसे बोल सकते हो सबसे ज्यादा एनर्जी ग्रैंडमा के पास है, बहुत ज्यादा मजबूत है. ठीक है, फिर क्या है? गामा रे. उसके बाद क्या होता है? एक्सरे होता है. एक्सरे सुना है सबने? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद किसके पास होता है सबसे ज्यादा एनर्जी? अल्ट्रा वायलेट. ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद क्या आता है? इसका आता है विजिबल. विजिबल क्या होता है? तो विजिबल होता है, सबको पता है, विबग्योर, है ना? यस सर. यस सर. इसमें से सबसे ज्यादा किसके पास है? वायलेट के पास है. सबसे कम एनर्जी किसके पास है? रेड के पास. रेड के पास. थोड़ी देर में इस वापस चर्चा करेंगे. इससे कम एनर्जी किसके पास होती है, कोई बताएगा मेरे को? सर इंफ्रारेड. सर इंफ्रारेड. इंफ्रारेड. इससे कम, ये भी सब लोग जानते हैं, इसका नाम तो सबने सुना है, माइक्रोवेव. सुना है कभी? यस सर. ओवन का ना? हाँ, जो ओवन का नाम है ना, वो इसी से पड़ा है, क्योंकि उसमें माइक्रोवेव रेज यूज करते हैं हम लोग.
खाना पकाने के लिए, ठीक है। और सबसे कम किसमें होती है एनर्जी, वो जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है हम लोगों ने रेडियो एक्टिव बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव में से गामा, ध्यान दो सुनो, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में से गामा रेज निकलती है, ठीक है, समझ में आई बात? उसमें से रेडियो वेव नहीं निकलती, रेडियो वेव अलग है, रेडियो वेव का नाम रेडियो से पड़ा है, रेडियो एक्टिव से नहीं पड़ा, ठीक है। ओके सर, ओके तो क्या बोल रहे हैं, देखो मतलब वैसे तो अल्फा भी निकलता है, बीटा भी निकलता है, गामा भी निकलता है, पर अगर इनमें से कुछ पूछोगे तो गामा रे निकलता है रेडियो एक्टिव मटेरियल से, रेडियो वेव नहीं निकलता। गलती से भी कंफ्यूज मत होना रेडियो वेव और रेडियो एक्टिव मटेरियल के बीच में, ठीक है। ओके ओके सर, ओके। अब देखो आपको बचपन से ना आपको पूरा ये जो सेंस है ना गड़बड़ा दिया गया है। गर्म का मतलब क्या बोलता है, रेड हॉट, रेड गर्म है, अबे रेड ठंडा है, देखो रेड के पास कम एनर्जी है, वॉयलेट गर्म है, ब्लू पानी होता है लेकिन वो गर्म होता है, समझ में आई बात? यस सर। किसके पास है, ब्लू के पास है, कम एनर्जी किसके पास है, रेड के पास है, रेड के पास, ब्लू रेड के पास, यस सर, रेड के पास कम एनर्जी है, ब्लू के पास ज्यादा एनर्जी है, ध्यान रखना इसको जीवन में हमेशा। और इसीलिए नाम भी दिए गए, नाम कैसे दिए गए, अल्ट्रा वॉयलेट, मतलब वॉयलेट से भी ज्यादा मजबूत। कोई ऐसा बोलेगा कि चींटी से भी ज्यादा मजबूत, नहीं बोलेगा ना, अगर मजबूत बोला जा रहा है तो क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा मजबूत, हाथी से भी ज्यादा ताकतवर, ऐसा बोलेगा ना? यस सर, जो सबसे ज्यादा उससे कंपेयर करके बोलेंगे। वॉयलेट के पास ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी, तभी तो अल्ट्रा वॉयलेट हुआ। रेड के पास बहुत कम एनर्जी होगी, तभी तो इंफ्रारेड हुआ, कि चींटी से भी कमजोर है तू, चूहे से भी कमजोर है तू, ऐसा बोलते हैं ना? इसके पास रेड से भी कम एनर्जी, इससे इंफीरियर देन रेड है, इसके पास वॉयलेट से भी ज्यादा एनर्जी, इसलिए सुपीरियर देन वॉयलेट है। और उससे और बड़े बड़े लोग मिल गए हमें, कौन कौन से, एक्सरे और गामा रे, इससे और कमजोर लोग ढूंढ लिए हम लोगों ने बाद में, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। माइक्रोवेव का यूज, माइक्रोवेव से हम खाना पकाते हैं तो इंफ्रारेड से गर्म नहीं होगा। देखो माइक्रोवेव का यूज करके खाना पकाते हैं, रेडियो वेव का यूज करके मोबाइल चलाते हैं, समझ में आई बात? Yes, sir. और इंफ्रारेड क्या होता है, बेसिकली इंफ्रारेड वो है जिसकी वजह से हीट आपको यूज फील होता है ना, किसी ऑब्जेक्ट के पास जाओ गर्म फील होता है बिना छुए, आया ना? Yes, sir. वो दिख रहा होता है, बट गर्म फील हो रहा था, वो किसकी वजह से हो रहा था, इंफ्रारेड की वजह से फील हो रहा होता है, ठीक है, समझ में आई बात? अगर लोहे को, सुनो बात, अगर लोहे को हल्का गर्म करोगे तो कैसा नजर आएगा, वो जैसा दिखता है वैसे नजर आएगा, उसके पास जाओगे तो हीट फील होगी, राइट? क्यों? यस सर, क्योंकि उससे इंफ्रारेड बहुत सारी रेज निकल रही है, बहुत सारी इंफ्रारेड रेज निकल रही है उसमें से, ठीक है। इंफ्रारेड क्या होता है, हीट वेव एक तरीके से, उसको और ज्यादा गर्म कर दोगे तो लाल हो जाता है, समझ में बात? यस सर, यस सर। वॉयलेट बहुत ज्यादा गर्म होता है, वॉयलेट आप गर्म देखते ही नहीं हो जीवन में, इतना गर्म होता है वॉयलेट, ठीक है। आप समझिए, आपने कभी नाम सुना है ब्लू स्टार्स का? नहीं सुना? नो सर। ये बहुत बड़े स्टार्स हैं जिनके बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इसलिए ब्लू होते हैं, समझ में आया? ये बहुत बड़े स्टार्स हैं, इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए ब्लू हैं। सर ये स्टार के कंप्लीट कंबशन करते हैं? हाँ सर, ये स्टार कंप्लीट कंबशन करते हैं क्या, इसलिए ब्लू स्टार बोलते हैं? वो ऐसा नहीं है, बट मतलब ये इतने गर्म स्टार्स हैं कि अब मैं उतना डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, पर यू समझ लो, अपना सन इतना गर्म है कि उससे उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ के हीलियम बना देते हैं। नाम तो सुना होगा आपने? यस सर। इससे ज्यादा जानते नहीं होगे हाइड्रोजन के बारे में, है ना, इसलिए ज्यादा डिटेल में बता नहीं सकता, पर सन अपना इतना गर्म है कि उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ के हीलियम बनाते हैं, और अपना ब्लू स्टार इतना गर्म होता है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ के नाइट्रोजन बनाते हैं, मतलब उसमें और बड़ी बड़ी चीजें जुड़ जाती है। जितने बड़े एटम्स को जोड़ना चाहो ना उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, समझ में आया? जितने बड़े एटम्स को जोड़ना चाहो उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, अपने सन से काम चल जाता है। और बड़ी फैक्ट्री डालनी है, और ज्यादा एनर्जी वाली फैक्ट्री डालनी है, तो उसके लिए चाहिए ब्लू स्टार्स। ब्लू स्टार्स में क्या होता है, आपका कार्बन में हाइड्रोजन जोड़ के नाइट्रोजन बनाता है, ठीक है, ठीक है। तो खैर वो उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता था, इसको भूल जाओ, बेटर रहेगा आपके लिए, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका, इतना जल्दी इतना कुछ बीच चीजें स्किप करके आगे की चीजें पढ़ने से।
बट ये पता होना चाहिए अल्ट्रा का मतलब क्या होता है, इंफ्रा का मतलब क्या होता है, और हमारे जो रेज होती हैं, लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, उसको हम 7 पार्ट से डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे काम भी कौन सी है, विजिबल, क्योंकि इसी का यूज करके हम देखते हैं। इसको फिर से हम लोगों ने 7 पार्ट में डिवाइड किया, क्यों, विब्योर। तो 7 का कुछ इंपॉर्टेंस तो है ना, है ना? यस सर, यस सर। वैसे ही साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है उसका नाम क्या होगा, अल्ट्रासोनिक। नाम क्या होगा, अल्ट्रासोनिक। और जिसकी 20 हर्ट्ज से क्या है उसका क्या हो जाएगा, इंफ्रासोनिक। सुपरसोनिक क्यों नहीं बोलते उसको, सुपरसोनिक क्या होता है, स्पीड होती है सुपरसोनिक, जिसकी साउंड से ज्यादा स्पीड होती है तो सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं, ठीक है। अगर कोई एरोप्लेन साउंड 20 हर्ट्ज होगा, इसका आंसर सर, इसका आंसर 20 हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज, ठीक है। क्या है सर, वो सुपरसोनिक का फिर से एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप एरोप्लेन चला रहे हो और वो एरोप्लेन साउंड की स्पीड से तेज चल रहा है तो आप कहते हो मेरा एरोप्लेन सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है। जैसे अपने जो फाइटर प्लेन्स होते हैं ना, अभी जो रफाल आया इतना, मैंने तो यही बोला, वो सब सुपरसोनिक स्पीड से चलते हैं, ठीक है। मतलब अपना साउंड के कितने मल्टीपल स्पीड से चलता है ये भी मेजर करते हैं, Mach 1, Mach 2, Mach 3। मार्क 1 का मतलब साउंड की स्पीड के बराबर, मार्क 2 का मतलब साउंड की स्पीड से डबल, मार्क 3 का मतलब साउंड की स्पीड से ट्रिपल। समझ में आई बात? यस सर, यस सर। कोई लाइट की स्पीड से तेज चलता है क्या? नो सर, कोई नहीं। नो सर, कोई नहीं करता। लेकिन फिर भी हमने उसका नाम दे रखा है। क्या नाम दे रखा मालूम है? वार्प। वार्प 1 मतलब लाइट की स्पीड के बराबर, वार्प 2 का मतलब लाइट की स्पीड से डबल, वार्प 3 का मतलब लाइट की स्पीड से ट्रिपल, ठीक है। नाम सर, पॉसिबिलिटी है नहीं, एटलीस्ट अभी तक तो जितनी फिजिक्स हमें पता है हमें लगता है पॉसिबल ही नहीं है। ओके, द नंबर ऑफ कंप्लीट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन दैट वाइब्रेटिंग बॉडी मेक्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स रेस्ट, एम्पलीट्यूड, है ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। दोनों में से कोई भी एक टिक करने पे नंबर मिलने चाहिए थे, पर मिलेगा सिर्फ 20 से, ठीक है। और उसको आप चेंज नहीं कर सकते, दिक्कत ये है हम लोग, क्योंकि उसमें कॉमा दिया हुआ है ना 20 के बाद। यस सर, 20 के बाद कॉमा है ना, 20 है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। अच्छा, आपको साउंड ही नहीं पता ना ठीक से क्या होता है। देखो, साउंड के जो पार्टिकल्स होंगे, साउंड में क्या पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं ना, साउंड इधर जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से बोला, यहाँ पे हमने स्पीकर लगा दिया, इससे साउंड इधर जा रहा है, ठीक है। तो जब साउंड इधर जाएगा तो जो पार्टिकल्स है ना वो अपनी जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, साउंड के डायरेक्शन वाइब्रेट करेंगे, इसलिए क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। कुछ वेव्स में ऐसा होता है कि पार्टिकल्स जो है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। का कोई एग्जाम्पल बताएगा सर? वेट डाउन। सर वेट, क्या होता है सर? वेट, आई एम थिंकिंग। आप समझ लीजिए, ट्रांसवर्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक तो है स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग पे तो वेव देखा होगा ना, देखा कि नहीं देखा, स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे हिलाओ तो वेव जाती है उसके ऊपर, पाइप को पकड़ के हिलाओ उसमें वेव जाती है, वो क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। और नीचे से सर, नीचे से सर माइक पकड़ने से होगा क्या? वाटर वेव सर, नीचे से माइक पकड़ने से। वाटर वेव, वाटर सरफेस सर, वाटर वेव्स भी होगा ना, तो आवाज नहीं आ रही सर, वाटर वेव्स भी होगा ना, वाटर वेव्स भी तो होगा ना। एक बार में एक आदमी बोलेगा कौन, वाटर वेव्स, रिपल्स, रिपल्स होंगे वाटर पे, जो रिपल्स आते हैं वो होंगे। हां सर, नीचे में अगर माइक रखे तो, नीचे में पाइप रखने मतलब सर, आपने वो स्पीकर बनाए हैं, वो अगर हम लोग नीचे रखेंगे तो वही पूछ रहे कि तब क्या परपेंडिकुलर होगा।
समझ नहीं आया सर, आप स्पीकर को साइड से रखे ना, स्पीकर को नीचे से शांति, एक आदमी बोलेगा, कौन बोल रहा है पहले? सर आप जो स्पीकर को साइड में रखे हैं ना, उसको आप अगर नीचे फेस करके रखेंगे तो उससे होगा मतलब ट्रांसवर्स ये वाला? नहीं 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 नहीं, नहीं। साउंड उसमें इधर जाएगा तो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, जिधर साउंड जाएगा ना उधर ही पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाइब्रेट करेंगे, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है, वो भी लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, ठीक है? ओके सर, ओके। द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी सर, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यस सर, इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है? यस सर, यस सर। अच्छा खत्म हो गया पेपर? और दो क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम आयरन, क्यों? क्यों? इलास्टिसिटी इज लार्ज, ज्यादा इलास्टिसिटी होती है इसलिए, ठीक है, आयरन ज्यादा इलास्टिक होता है इसलिए। अब बोलो सर, आयरन आयरन इलास्टिक कहाँ होता है सर? आयरन तो सर रिजिड होता है ना? हाँ सर, सॉलिड के इलास्टिसिटी कहाँ होती है, तो बात समझो, इलास्टिसिटी की पतला प्लेट ले लिया तो अब मैं बोलूं इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है? इलास्टिसिटी की डेफिनेशन ये नहीं है कि किसको कितना मोड़ सकते हो, बल्कि ये है कि किसको मोड़ने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। जिस चीज को डिफॉर्म करना ज्यादा मुश्किल है वो ज्यादा इलास्टिक है, समझ में आया? यस सर, यस सर। इसलिए आयरन ज्यादा इलास्टिक है, रबर कम इलास्टिक है। रबर जिसका नाम ही इलास्टिक होता है वो कम इलास्टिक है, ठीक है? यस सर, यस सर, ओके। सर साउंड वेव्स, साउंड वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव है, साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर, नो सर। तो आप लोग तैयार हो अपनी हाफ ईयरली के लिए? कब है आपकी हाफ ईयरली? सर मेरे स्कूल में हो भी गया। क्या आपके स्कूल में हो? सर आईएएस में आज ही था, यस सर आज ही था साइंस एग्जाम। कैसा हुआ पेपर? सर वेरी इजी पेपर, बहुत इजी था, बहुत इजी था। अच्छा इस पेपर में 180 मार्क्स का पेपर है, तो एक क्वेश्चन तो गलत छप गया था, उसका आंसर गलत लगा हुआ है ना, नन था और कुछ कॉलेज और ही आंसर दे रखा है। हां सर, वो प्रेशर वाला। यस सर, प्रेशर वाला उसका, वो तो सबका गलत है। 180 में से 176 तो आने चाहिए, आया ना? हां ये कहां से आया? किसके आया 176? क्वेश्चन पेपर कहां से आया? क्वेश्चन पेपर कहां से आया मतलब? बेटा इसी क्वेश्चन पेपर, सर क्वेश्चन पेपर तो सर मतलब वो पूछ रहा है कि क्वेश्चन पेपर आप बनाए हैं कि कहीं से आया है? बनाया है बेटा। तो कितने आए मार्क्स? नहीं आए किसी के 176 नहीं आए। अच्छा 150 से ऊपर कितने लोगों के आए? रेज हैंड, हैंड रेज करो, कोई बोलेगा नहीं। 150 से ऊपर कितने लोगों के मार्क्स आए? 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाकी लोगों के नहीं आए, ठीक है, नहीं और भी है, ठीक है। अच्छा किसी के ऐसा तो नहीं कि 120 से कम आ रहे हैं इसमें या 130 से कम आ रहे हैं? किसी के 130 से कम? नो सर, नो सर, नो सर। अगर 130 से कम आए हैं तो 42 तो मुझे मैसेज कर दो, मुझे मैसेज कर दो सर, 144, ठीक है, चलो मतलब 140 से कम भी किसी का नहीं अगर ऐसा है तो? नहीं सर, ठीक है। सर मुझे इस 45 नंबर में एक डाउट है सर,
क्या क्वेश्चन नंबर 45 लास्ट वाला विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. देखो बेटा साउंड वेव्स डिफरेंट है क्यों, क्योंकि साउंड वेव्स जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल होता है. कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल. बाकी ये तीनों वेव्स ट्रांसवर्स है. सर जो स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से भी तो साउंड वेव ही मतलब साउंड निकलता है ना सर. स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से साउंड होता है तो वो भी तो एक साउंड वेव का एक एग्जांपल हुआ. मुझे समझ नहीं आ रहा सर. वो बोल रही है कि वो बोल रही है कि वेव्स इन स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो वो तो साउंड ही प्रोड्यूस करता है तो वो भी तो एक एग्जांपल ही हुआ ना साउंड वेव्स का. वो तो वो पूछ रही है. नहीं, बहुत गलत बात सोची आपने. सुनो, यहां पे बहुत कंफ्यूजन है. उन्होंने बोला सर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग को अगर मैंने प्रेस किया, स्ट्रिंग को अगर मैंने वाइब्रेट किया तो सर स्ट्रिंग तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है ना, तो सर साउंड वेव तो ट्रांसवर्स हो गया. जवाब है नहीं, स्ट्रिंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वाइब्रेट किया, उससे जो साउंड निकला ना वो एयर के थ्रू जो ट्रेवल किया वो लॉन्गिट्यूडनल था. यस सर. समझ में आया? इसलिए इसलिए साउंड वेव कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल है, साउंड वेव ट्रांसवर्स नहीं है. ठीक है बेटा? यस सर. ओके सर. सर हाँ सर. सर आप कॉस थीटा के बारे में कुछ बोल सकते हैं? देखो भाई बहुत ही आसान चीज है, एक कहानी सुनो. एक बार सर किस चीज के बारे में इन्होंने बोला? कॉस थीटा. एक बार अकबर नाम का, अकबर का नाम जानते हो? हाँ सर. यस सर. हाँ सर. अकबर एक बार, ध्यान दो, अकबर एक बार अपने पूरे सब लोगों को लेकर जंगल में निकल गया. जंगल में निकल गया, रेगिस्तान में निकल गया, डेजर्ट में निकल गया. पूरा अपना जत्था लेकर वो रेगिस्तान में गया तो उसने देखा रेगिस्तान में एक अपने बाबा ध्यान लगा के खड़े थे, तपस्या कर रहे थे धूप में. ठीक है? यस सर. तो अकबर को लगा अरे धूप में कौन रहता है, इतनी कड़ी धूप में आप खड़े हैं, तो उसने इनके ऊपर एक छाता लगा दिया. क्या लगा दिया? कॉस थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज साइड. अभी आ रहे हैं ना, सुन तो लो. छाता लगा दिया मैंने, पहले बोलना शुरू कर देता हूँ. छाता लगा दिया. जब उन्होंने छाता लगाया तो उन्होंने क्या बोला, तो ऋषि मुनि जी जो मुनि जो तपस्या कर रहे थे ये उठ गए. उन्होंने क्या बोला, ए दुष्ट बालक तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, मैं धूप में रात में ठंड में खड़ा होके इतने दिनों से तपस्या कर रहा था, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा फलाना हो जाएगा, तुम्हारा ढिमकाना हो जाएगा. ठीक है? तो क्या हुआ? अकबर बोला डर गया, अरे मैंने तो आपको छतरी इसलिए लगाई थी कि आप मतलब मुझे लगा आप कष्ट में है, मैंने छतरी लगा दी. तो ऋषि मुनि का कुछ देर में गुस्सा शांत हुआ, तो उन्होंने बोला अब तो बेटा श्राप दे दिया, अब तो कुछ कर नहीं सकते, जो बात मुंह से निकल गई उसको वापस ले नहीं सकते. तो उन्होंने बोला चल ठीक है, लेकिन तेरा ये सब नाश होगा अगर तू एक काम करेगा तो नहीं होगा. लेकिन क्या नहीं करूंगा, क्या करने से नहीं होगा? तो उसने बोला ये जो पेड़ दिख रहा है ना, इस पेड़ की हाइट बिना मेजर किए मुझे बता, तो तेरा नाश नहीं होगा. ठीक है? समझ आई बात? यस सर. तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अकबर किसके पास जाएगा? बीरबल. बीरबल. तो उसने बुलाया बीरबल को, ए बीरबल यार जान बचा ले, बता भाई कैसे होगा ये. तो बीरबल आया, उसने देखा पेड़ को और बोला अरे एक काम करते हैं सर, हम लोग 1 मीटर का एक डंडा इस पेड़ के बगल में गाड़ देते हैं, ये 1 मीटर का डंडा गाड़ दिया. ठीक है? और सूरज को चढ़ने देते हैं, सूरज चढ़ेगा तो इसका शेडो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना. Yes, sir. एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके शैडो की लेंथ 1 मीटर हो जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. पेड़ के शैडो की लेंथ मान लो ये L है,
अगर इस ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो पेड़ के शेडो की लेंथ भी पेड़ के हाइट के बराबर होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. तो इस उस वक्त हम इसके शेडो की लेंथ मेजर कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो पेड़ की हाइट होगी। हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. तो ये सच्ची सच्ची है सर। हाँ, सच में हुआ था क्या ये? अरे पागल हो गया, ऐसी कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ, ये बात सुनकर बाबा जी बोले, ऋषि जी बोले, अरे ऐसा थोड़ा होता है, मेरे को वापस तपस्या करने जाना है, अभी का भी आंसर बताओ, मैं वेट नहीं करने वाला सूरज के फोटो के आने का, कितने एंगल पे आएगा, जब लेंथ शैडो के बराबर होगी सब बताएंगे, है ना? Yes, sir. तो उस तरह कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये तो वन है, इसको एक्स मान लेते हैं, इसकी लेंथ एक्स मेजर कर लेंगे हम लोग, एक्स तो मेजर कर सकते हैं ना, क्योंकि पेड़ पर नहीं चढ़ना, एक्स मेजर कर सकते हैं, ये एल में, ये एल मेजर कर सकते हैं, इसकी हाइट एच हमें निकालनी है, है ना? तो उसने कहा देखो यार, दोनों ट्राइंगल दिखने में एकदम एक जैसे हैं कि नहीं है? Yes, sir. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्स बाय वन इज इक्वल टू एल बाय एच? Yes, sir. बस ये छोटा है, Yes, sir. है ना, प्रोपोर्शन में डाल दिया। हाँ, इसको कहते हैं हम लोग क्या, सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या कहते हैं इनको? सिमिलर ट्राइंगल। आप सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, क्लास 9 10 से पढ़ोगे, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं वो क्लास 9 10 से पढ़ोगे, बट अभी के लिए x / 1 = l / h हो जाएगा। इसका मतलब l कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, सॉरी h नहीं, अपन को h निकालना है ना, h कितना हो जाएगा, l / x आंसर। तो उसने क्या किया, इस लेंथ को इस x से डिवाइड कर दिया और आंसर बता दिया। ऋषि ने बोला ठीक है बढ़िया है, तो जा। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. इसके पीछे लॉजिक क्या था? Yes, sir. इसके पीछे लॉजिक ये था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ध्यान दीजिएगा बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, सर एक काम करते हैं, नहीं दिख, ठीक है, सर उधर नहीं दिख रहा। इसके पीछे लॉजिक क्या था, देखो, इसके पीछे लॉजिक ये था कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में, देखो सन शेडो का कैसे बनेगी, जहां से सन आएगा उसी, बहुत ज्यादा जूम कर रखा है मैंने, इससे ऐसा हो रहा है। देखो दोनों ट्राइंगल्स एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि सन दोनों के लिए सेम एंगल पर ही था, है ना? Yes, sir. वाला एंगल और ये वाला एंगल सन का एलिवेशन एंगल है, हाँ या ना? Yes, sir. ये वाला एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं, एंगल का क्या नाम दिया मैंने, थीटा नाम दिया, इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा। ठीक है, अगर इस एंगल का नाम मैं थीटा दे दूं, इसको मैं बोल दूं, तो हमने क्या देखा, इस हाइट और बाय दिस हाइट इज इक्वल टू दिस हाइट बाय दिस हाइट, आया ना? यस सर. साइड बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस लेंथ। तो हमने देखा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में साइड का जो रेशियो है उस एंगल सेम होने पर सेम आ रहा है ना? तो हमने बोला ओके, यस सर, देन लेट्स डिफाइन दीज रेशियोस। हमने बोला ये जो एंगल थीटा है, इसके साथ वाले साइड को मैं एडजेसेंट साइड कह दूं, अपोजिट साइड को अपोजिट साइड, दूसरे साइड को हाइपोटेनस साइड, और इसको अपन हाइपोटेनस कह देते हैं। तो उसने बोला लेट्स डिफाइन थ्री रेशियोस, कौन कौन से, एक का नाम देते हैं साइन, जिसको हम पढ़ते हैं cos थीटा, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, और का नाम देते हैं cosine, जिसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, शॉर्ट में cos, और का नाम देते हैं tan थीटा, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, tan। तो उसने बोला साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा, मैंने तीन चीजें डिफाइन करी, और तीन होता है ना, अपने काम के तीन है, पहले तो सीख लें, वो तीन बाद में देखेंगे। Yes, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। तो उसने बोला sin थीटा क्या होता है, sin थीटा को उसने नाम दिया अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, cos थीटा का नाम दिया एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, और tan थीटा का नाम क्या दिया, अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, एडजेसेंट को कई बार हम लोग बेस बोल देते हैं, अपोजिट को कई बार हाइट बोल देते हैं, और हाइपोटेनियस तो सॉरी अपोजिट को कई बार परपेंडिकुलर बोल देते हैं, और हाइपोटेनियस को तो एच बोलते ही बोलते हैं, है ना?
तो ये कितना हो जाएगा P by H, ये कितना हो जाएगा B by H, जाएगा P by B, P by B, ठीक है। अभी कई लोगों को याद नहीं रहता तो उसको याद करा देता हूँ, ऐसे लिखो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। साइन थीटा क्या है P by H, कॉस थीटा क्या है B by H, थीटा क्या है P by B, तो याद कैसे करोगे, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से याद कर सकते हो। देखो बनाने को तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन समझ गए ना बात। यस सर। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दिया क्या अनिल रवि सर ने आपका? नो सर। नो सर। नो सर। वो भी पढ़ा देंगे क्या? एक्चुअली रवि सर को मैंने बोला है कि रवि सर आप लोगों को एक ट्रिग्नोमेट्री और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पढ़ा देंगे, क्योंकि उनका शायद सिलेबस कंप्लीट हो गया ना आपका क्लास 8 का? यस सर। मेरा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, तो जब तक मेरा बचा खुचा कंप्लीट होगा तब तक अनिल सर आप रवि सर आपको ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे, और उसके बाद मैं आपको और क्लास 9th को और क्लास 10th को साथ में मिलाकर एडवांस टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो कि क्लास 11th के भी होंगे बहुत सारे उसमें से, ठीक है सर। आप अभी और तीन थोड़ा सा बता सकते हैं क्या, वो हम लोग के स्कूल में जेई होता है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में आ रहा है क्या सर? आप जो और तीन रेशियो होता है इसका वो भी समझा देंगे कि हम लोग के स्कूल में जेई होता है ना, जेई का एग्जाम, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। अच्छा, सो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा इसको आता है कोटेंजेंट थीटा, या फिर शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, कॉट। फिर होता है सीकेंट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेक थीटा, और अंत में होता है कोसेकेंट, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कॉट थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा होता है बी बाय पी, सेक थीटा क्या होता है एच बाय बी, और कोसेक थीटा क्या होता है एच बाय पी। यू समझ लो, यू समझ लो। अच्छा ये तो ऐसे हो गया ना, ऐसे लिखो साइन, वापस लिख रहा हूं मैं एक बार, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे का अपोजिट होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल, टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल। साइन थीटा क्या होता है भाई सर, ये होता है पी बाय एच, कोसेक थीटा क्या होता है एच बाय पी, एच बाय पी होता है बी बाय एच, टैन थीटा क्या होता है पी बाय बी, ये हो जाएगा बी बाय पी और ये हो जाएगा एच बाय बी बाय पी। समझ में आई बात? तो ये अपने होते हैं, इसके अलावा अगर और भी आइडेंटिटीज होती हैं, उन सबको जब तक मेरे ख्याल उन सबको हम याद भी करवा देंगे, बट अभी आप अरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना आइडेंटिटीज में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये सब होता है ना? हाँ बेटा वो सब होता है, तो वो सब तो बेटा अभी मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा, और वो इसीलिए मेरे को भी उसकी जरूरत है, इसलिए मैंने रवि सर को बोला है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होते ही वो सब करा देंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो सब याद भी कराया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा, उस पर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, बट आफ्टर योर हाफ ईयरली, ये दिक्कत है, ठीक है, कोशिश करो अपने लेकिन बेटा वो तो थोड़ा तो आगे पीछे हो ही सकता है, आपका सिलेबस तो वो रेगुलर सिलेबस नहीं है ना, तो थोड़ा आगे पीछे हो ही सकता है। यस सर। है ना, मैं भी पढ़ाऊंगा इसको, सब चीजें पढ़ाऊंगा बट थोड़ा बाद में। आप लोगों के स्कूल में सिलेबस क्लास 8 का पूरा कंप्लीट हो चुका है? हाँ सर, ये मतलब जेई का होता है ना, जेई का अलग से एग्जाम होता है, जेई सीडीएफ का। समझ गया, ठीक है बेटा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। करना रहना मैं। हाँ समझ गया मैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, ठीक है। यस सर, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर।